हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। अरे चाचा जी रुक जाओ ज़रा। गाइस आज जो है अपन जा रहे हैं अपना मास्टर सिलेंडर चेंज करने। मैं तो गाइस ब्रैम्बो की किट डालने वाला था, बट मेरे बजट को देखते हुए ना मैं सोच रहा हूँ कि इसकी जो ओरिजी वाली चीज़ है वही डाल दूँ। हेलो, हाँ जी विपिन भैया बोलिए ना। सो गाइस एज यू कैन सी चिप स्कूटर से भी कॉल आया था, हमें आज इनवाइट है और हम आज जा रहे हैं NS 400 के लॉन्च पे और हम आज जाएंगे। सो गाइस व्लॉग में बने रहो, मैं मास्टर सिलेंडर अपना फिट करा लेता हूँ, देन उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें की है। अरे आंटी जी ये देखो, ये हमारे यहाँ पे ना ऐसी चीज़ें होती है। और ये आ गए फिर से हम इंजीनियर गैराज। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये देखो ये जो है इतना है, ब्रेक इतने में चाहिए था मुझे, बट ये देखो सुन रहे देख रहे हो, ये जो चीज़ है ना यहाँ तक क्या आ जा रहा है गाइस। तो उस दिन वही चीज़ हो रही, ये पूरा चिपक गया था करके ब्रेक नहीं लगा था, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही था क्या चीज़ हुई। और मैंने कैसे अपने पैर से खुद को पुश किया लेफ़्ट साइड में उस बैरिकेड को लग के, तो ये चीज़ें थी। तो गाइस मयूर ने अपने को ज्वाइन कर लिया और अभी निकलता है राकेश की तरफ। राकेश पता नहीं साला कहाँ क्या कर रहा है, तो वो बोल रहा था कि भाई घर पे आ जा, तो देखते उसके घर की तरफ जाते। ये नाग बना दे नाग, ये भाई वीली मार दे भाई वीली। ये हमारे मयूर भाई और हमको देख लो गाइस, एंड इस बंदे को देखो ये फॉर्मल पैंट पहन के और टी शर्ट पे आ गया, इसकी तो अलग ही नशे चल रहे हैं। एंड वो देखो हमारा भाई शादी करने जा रहा है बंदा, वो भी NS 400 से, समझ रहे हो देख रहे हो। हाँ RS से पहुँचेगा और NS को लाने के सोच रहा है, दूल्हा रेडी हो गया, दुल्हन राह देख रही है। गाइस कुछ भी बोलो बट R1 ना अपने सेगमेंट में बहुत प्यारी बाइक है। अगर किसी को कम सीसी में लुक्स और सारी चीज़ें अगर चाहिए तो भाई आप R1 के लिए जा सकते हो, अदरवाइज भाई पावर चाहिए तो आप RS के लिए जाओ, कभी भी पुराएगी। उसका ताव आ गया। अरे 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 भाई गाइस मैं मुंबई में हूँ, देख रहे हो ट्रैफिक, देख रहे हो ये ट्रैफिक ही ट्रैफिक, ये ट्रैफिक ही ट्रैफिक बोलते हैं। जे भाई वो। A few moments later. So guys, we are now in पटनी बजाज शोरूम। So guys, हमारी एंट्री वगैरह हो चुकी है और ये राकेश अपनी HRC की एंट्री करते हुए अपनी हिना राइडर्स क्लब। एंड चेक दिस आउट गाइज, इस पर्दे के पीछे कुछ छुपा हुआ है और ये अपने अंशुल भाई बहुत मस्त स्माइल लेते हुए। और राकेश क्या फील कर रहे हो भाई? बस बस भाई हम इंतजार कर रहे हैं, इधर इधर ले आओ कैमरा। ओके इस चीज का, ओके तो गाइस इस चीज का हम वेट कर रहे हैं तब से कि भाई ये पर्दा कब हटेगा और क्या चीजें इसके देखने को मिल सकती है अपने को। सो गाइस विपिन भैया ने हमको तो जल्दी बुला लिया था और विपिन भैया अभी आ रहे हैं, देख रहे हो 400 सीसी पल्सर है। अगर मैं इसकी बात करूँ 373 सीसी का इंजन है, 40 PS का पावर है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, स्लीपर क्लच दिया हुआ है, 12 चैनल ABS दिया हुआ है, 4 राइडिंग मोड दिए हुए हैं, रेंज मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, ऑफ रोड है, आप बोले वो चीज़ है ये गाड़ी के अंदर में। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, पूरे कॉम्पिटिशन आप घूम लीजिए, आपको इस ये प्राइस के अंदर में इतने सारे फीचर्स के साथ में कोई कंपनी की गाड़ी नहीं मिलेंगी जो कि सिर्फ 1,85,000 है। सो फाइनली गाइस बाइक रिव्यू होने जा रही है और ये जो गाइस जिस चीज का इंतजार था वो कितना खुश लग रहा है। वाओ सारे लोग हैं ये बोल सकते हैं।
NS400 भाई, बल्कि बाइक है भाई। अगर आप अगर वीडियो में देख रहे हो ना, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि गाइस ये बाइक बल्कि है और या कुछ ऐसी मस्कुलर वाला फील नहीं लग रहा होगा। जब आप रस्तली देखोगे बाइक को, पास से देखोगे बाइक को, तो आपको एक अलग ही फील मिलने वाला है, एक अलग ही चीज़ देखने वाली है। ये जो आप देख पा रहे हो, इसकी जो अपसाइड डाउन स्पोक्स है, ये लिटरली बहुत बड़े हैं भाई, लिटरली बहुत बड़े हैं। अगर आप ऐसे देखोगे ना वीडियो में, आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज़ें भाई। सच्ची में मस्कुलर बाइक है ये, 400 के हिसाब से सच्ची में मस्कुलर बाइक है। 200 से कंपेयर मत करो इस बाइक को, लिटरली पर्सनली आके भी देखो यहाँ पे भाई, अलग ही चीज़ है ये, अलग ही। सो गाइस, देख रहे हो कितना बड़ा ये है, अपसाइड डाउन इसके स्पोक्स है, इसमें बहुत। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यार मुझे ना खुद को वक्त नहीं मिल रहा था, मैंने फ़ोन राकेश की तरफ दे दिया, वो अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रहा था शायद से, मुझे नहीं पता। अब फ़ोटोज़ वगैरह आया नहीं है ग्रुप में, मुझे फ़ोटोज़ वगैरह डालने थे, बट ठीक है। सो गाइस चेक दिस आउट, बहुत दिनों बाद पुताड़ा पे, और पुताड़ा की गर्मी भाई ठंडी हुई पड़ी है। भाई ये दोनों बाइक का जो साउंड आता है ना, मजाक नहीं भाई, मज़ेदार आता है। ठीक है आ रहा हूँ। सो गाइज मुझे ना मेरे फ्रेंड का कॉल आया है, उनको मेरी बाइक देखनी है, उस मेरे फ्रेंड के फ्रेंड को बाइक देखनी है। ये बंदे का फ़ोन आया, बोलता मेरे दोस्तों को देखना है, हम तो भाग रहे थे सीधा सीधा। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कैसा लगा ये ब्लॉग जरा कमेंट करके बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।